very logical and interesting problem. So in the given circuit, in the given diagram, the bulb is not glowing. So you have to identify the possible reasons कि ये बल्ब जल क्यों नहीं रहा है. तो सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि आपके इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं हो रही है. और करंट कब फ्लो नहीं होगी, जब आपका जो सोल्यूशन होगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा. सो इफ द सोल्यूशन इज नॉन कंडक्टिंग, द इलेक्ट्रिक करंट वुड नॉट बी एबल टू पास थ्रू द लिक्विड, हेंस द सर्किट इज नॉट कम्प्लीट. तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, बिकॉज ये जो बीकर के अंदर सोल्यूशन है ये करंट को पास नहीं होने दे रहा है. Now, what if the solution is conducting and फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है? So, उसका रीजन ये हो सकता है कि जो करंट या जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के पास तक पहुंच रही है वो बहुत ही कम पहुंच रही है, which is not sufficient to light up the bulb. और ये कब होगा, जब आपने जो वायर्स लिए हैं अपने सर्किट में, जो देखिए आप बीकर को यहाँ से बैटरी से और बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो वायर्स हैं अगर ये नॉन कंडक्टिंग हुए, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहे हैं, तब भी आपका बल्ब नहीं जलेगा. सो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज वेरी वीक. और इसका रीजन क्या हो सकता है, दैट द मटीरियल यूज फॉर द मेकिंग of the circuit is not a good conductor of electricity. So these are two possible reasons. Teesra reason ye ho sakta hai ki bulb bhi kharab hai, but obviously we are not interested in that reason because we are doing some experiments. So obviously we will use a good bulb which should work.